हेलो फ्रेंड्स, सुप्रियाज रान्नाघर में आप सबको स्वागत है। आज मैंने आप सबके सामने लेके आ गई गर्मी का सबसे बेस्ट कतला फिश फ्राई की रेसिपी। एकदम आसान रेसिपी है, एकदम इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इधर कतला फिश ले लिया 250 ग्राम, और ये कतला फिश बाजार से लेके आने के बाद ही मैंने इसको अच्छे से 2 से 4 बार धो लिया। और मछली जब भी बाजार से लेके आओ, जितने अच्छे से इसको धोना होता है ना, उतना टेस्ट लगता है। अभी इसको मैरिनेशन करूँगी, वो भी एकदम आसान तरीके से जैसे रेगुलर करते हैं। नमक डाल दूँगी सबसे पहले 1 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार डालना क्योंकि मुझे सिर्फ फिश फ्राई करना है। और इसके साथ साथ इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और नमक मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी। और जितने अच्छे से नमक और हल्दी पूरा मछली के अंदर चला जाएंगे ना, उसका टेस्ट उतना अच्छा आएंगे। और ये रेसिपी आप लोग को लगेंगी ये तो एकदम इजी रेसिपी, तो भी जो बिगिनर्स है, जिन लोग को एकदम ही फ्रीज फ्राई करना नहीं आता, उन लोग के लिए आप लोग मसाला से भी कर सकते हो। मैंने अभी का जो रेसिपी एकदम सिंपल सरल तरीके से ही बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये फिश फ्राई रेसिपी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम चावल के साथ, दाल के साथ। और ये इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी ना इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, और 10 मिनट मेरा हो गया। अभी माच अच्छे से मैरिनेशन हो गया। इसको फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई बिठा दिया, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल, तेल जब तक गर्म अच्छे से हो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैंने फ्रेश फ्राई करूँगी। अभी देख लेती हूँ, गैस का फ्लेम अभी भी हाई कर दिया, और तेल को अच्छे से ना सारी कढ़ाई के चारों तरफ ऐसे करके मिला लूँगी। ऐसे मिलने से क्या होंगे, तेल जैसे मछली को जब मैं फ्राई करूँगी नीचे से लगेंगे नहीं, और गर्म भी अच्छे से हो गए, ऊपर से भाप आ रही है। इसी टाइम पे मैंने जो मछली को मैरिनेशन करके 10 मिनट के लिए रख दिया था ना, वही मछली धीरे धीरे एक एक करके डाल दूँगी। और मछली फ्रीज फ्राई जो बोलते हैं ना इसको, ये ना थोड़ा नाजुक रहता मछली, इसलिए ना मछली को अच्छे से तेल गरम करने के बाद ही फ्राई करना, नहीं तो कढ़ाई से निकलता नहीं। जो बिगिनर्स लोग हैं ना, बच्चा है या जेंट्स है, लेडीज है, जो भी है, जिनको नहीं आता, उन लोग ध्यान रखना, तेल गरम होना चाहिए, कढ़ाई भी अच्छे से गरम होना, उसके बाद तेल गरम करना। और इस तरह से करने से क्या, मछली देखो अच्छे से निकल जाता है, एकदम नीचे से नहीं लग जाता। और इसको मैंने लगभग 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम में फ्राई करूँगी। पहले एक तरफ कर लूँगी 3-4 मिनट, उसके बाद इसको पलट दूँगी ऐसे करके, उसके बाद मैंने सारी फिश फ्राई को निकाल लूँगी। और मेरा रेसिपी एकदम इजी है, आप लोग को कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। पूरा रेसिपी को देखो अभी आगे मैंने क्या करती हूँ, और अच्छा लगे तो फ्रेंड लोग के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल पर ना 1000 के ऊपर रेसिपी है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर भी 2000 के ऊपर वीडियो है, आप लोग उधर भी जाके विजिट करके देख सकते हो मेरा सुप्रिया रान्ना घर का बहुत सारे रेसिपी, ढेर सारे रेसिपी। मेरा 3 मछली तो फ्रीज फ्राई हो गया 3 पीस, अभी मैंने इसको निकाल लूँगी अच्छे से तेल से, और बाकी का जो फ्रीज है ना वो भी इसमें डाल दूँगी। और यही तेल अब लगे तो दूसरे सब्जी, मतलब मछली की जो सब्जी बनाते ना उसमें यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह से मैंने इसको निकाल लेती हूँ। और मछली इस तरह से फ्राई करने के बाद आप कोई भी सब्जी बनाओ, कभी मसाला से बनाओ ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलो अभी तेल गरम रहते ही मैंने और बाकी का जो 2-3 पीस है उसको भी डाल देती हूँ। और इस तरह से मेरा चैनल पे ना ढेर सारे, पहले मैंने बंगाली रेसिपी बनाती थी, बंगाली में बोलती थी, बहुत सारे रेसिपी है। उसके बाद मैंने हिंदी में स्टार्ट किया, क्योंकि सबको पसंद नहीं, मतलब हिंदी में सुनना चाहते थे, इसलिए उन लोग के लिए मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। और इसी तरह से आप लोग का रिक्वेस्ट था फ्रीज फ्राई का, इसलिए मैंने ये फ्रीज फ्राई की रेसिपी आप लोग के साथ लेके आ गई। आप लोग बहुत ज़रूर देखना, और आपका जो फ्रेंड है जो मछली खाना पसंद करते हैं, उन लोग को आप लोग जरूर शेयर करना मेरा आज का एकदम सिंपल सरल फ्रीज फ्राई की रेसिपी। आज घर में जो लड़की लोग हैं अभी छुट्टी का टाइम है, उन लोग को भी सिखाओ एकदम ईजी तरीके से फ्रीज फ्राई किस तरह से बनाया जाता है। चलो आज का फ्रीज फ्राई रेडी हो गया, अभी गर्म गर्म चावल के साथ, दाल के साथ हम लोग सर्व करेंगे ये फिश फ्राई। और आप लोग को कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और लाइक करने के लिए एकदम भूलना नहीं। और बिल मेरे जो नया फ्रेंड आके हो ना, उन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लगना। आज के लिए इतना ही, अच्छा रहना, खुश रहना, और गर्मी में ऐसे हल्का हल्का डिशेस खाते रहना तो अच्छा भी लगता है। चलो बाय।